morning, everyone. I hope you are also fine. बच्चे हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? मैथ एंड काउंट, यानी कि मैथ नंबर दिया हुआ है आपको, बताए भी थे सम पिक्चर्स, सम नंबर, इसके थ्रू में कुछ बताई थी एज एग्जाम्पल में. टू नंबर में हो गया, टू प्रीवियस क्लास में बताई थी, और टू टू फोर, फोर टू. इसको काउंट अगर आ रहा है हम लोग को तो मैच करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे, फिर ऐसे मैच करेंगे. काउंट एंड मैच यही है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे. चलिए आज हम लोग पेज नंबर 10 आप लोग सामने रखेंगे. पेज नंबर 18 आप लोग क्या निकालेंगे? बुक सामने रखेंगे, पेज नंबर 18, कॉपी, इरेजर एंड पेंसिल साथ में रखेंगे और बुक में देखेंगे और मैम क्या पढ़ा रही है वो आप फॉलो करेंगे. तो आज है डेट, आप लोग पहले कॉपी में मेंशन करेंगे डेट 11/5/2020, क्लास 1 सब्जेक्ट मैथ्स, पेज नंबर 18 और वन आउट. इन ईच रो क्रॉस द वन विच इज डिफरेंट. अब हम लोग इसमें तो अभी कुछ नहीं है, ये और वन आउट, ये टॉपिक फर्स्ट जो है ये हमको पढ़ना है. तो अभी तो यहाँ पे ब्लैंक है, मैं अब एग्जांपल बता रही हूँ. आप लोग बुक में बिल्कुल ना करें, जो भी करना है डेट मेंशन करके. आप जो बुक में अगर डॉग का चित्र है, पिकॉक का चित्र है, हाउस का चित्र हो, एज ए कॉलम बना बना के बनाएंगे और उसमें एक डिफरेंस रहेगा. तो डिफरेंस में क्या है, उसको क्रॉस करना है. तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप बुक में कर, उसमें डॉग है और उसमें डिफरेंस में क्या है, कैट है. तो कैट को क्या करना है, क्रॉस कर देना है, यानी कि वो अलग है सबसे और मीन्स अलग है. तो उसको हम अलग वाले को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये करना है. तो आप लोग के बुक में डॉग एंड कैट है. मैं एज ए एग्जाम्पल सब पिक्चर्स ले रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे. चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फुटबॉल. ओके फुटबॉल, फुटबॉल मैं बना रही हूँ. आप लोग डॉग कैट, फाइव डॉग्स है और वन कैट है, फाइव डॉग्स एंड वन कैट. अब हम इसमें क्या बना रहे हैं, फुटबॉल. तो हम लोग फुटबॉल के माध्यम से इसमें देखेंगे. आप लोग तब तक डॉग का पिक्चर अपने कॉपी में बनाएंगे. ओके मैं यहाँ फुटबॉल की पिक्चर यहाँ पे बना रही हूँ और यहाँ पे मैं एक यहाँ एक एक इसमें फ्लावर, फिर यहाँ एक फुटबॉल. ओके यहाँ पे मैं फुटबॉल बना रहा हूं. ओके तो यहाँ पे क्या है, इन ईच रो क्रॉस द वन विच इज डिफरेंट. तो यहाँ पे क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है, ये भी फुटबॉल है, ये भी फुटबॉल है, ये भी फुटबॉल है, ये भी फुटबॉल है. तो अलग क्या है, फ्लावर है. तो यहाँ क्या करेंगे, फ्लावर को क्रॉस कर देंगे. तो यहाँ पे और वन आउट, यानी कि उसमें से एक अलग है, उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. तो बच्चे आपके बुक में डॉग है और एक अलग क्या है, कैट है. तो आप लोग कैट को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे. चलिए मैं आप दूसरा एग्जांपल बता रही हूँ. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे
अब इसमें क्या है, कुछ अलग क्या है, इन दिस सब इक्वल है और अम्ब्रेला क्या है, अलग है। तो यह क्या है, इन इच रो क्रॉस। तो इसको हम क्या करेंगे, एक करेंगे एरो नहीं, इसको क्रॉस करेंगे क्योंकि ये अलग है और वर्ड आउट यानी कि इसमें से एक अलग है उसको हमको छाटना है, क्रॉस करना है। चलिए मैं थर्ड एग्जांपल, एज ए थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में आप लोग देख लेंगे क्या देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेंगे, कुछ ऐसे सम पिक्चर्स बना लेंगे। चलिए इसमें ये हो गया, फिर यहां चलिए तो इसमें और कौन है, लीव। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। बच्चे एज एग्जांपल, फिर एग्जांपल मैं यहां आप लोग को बताई हूँ, आप लोग के बुक में ऐसे ही ढेर सारे, तो आप लोग ऐसे ही बना बना के आप लोग अपने बुक में मेंशन करेंगे। मैं एग्जांपल में यहाँ थ्री एग्जांपल दी, तो यहाँ पे और वन आउट यानी कि इसमें से एक को अलग करना है, ठीक है। तो अब इसी में आप लोग देखेंगे कि अगर फोर्थ में देख लेंगे, हम क्या करेंगे, एक बकेट को, इसमें बकेट में क्या है, वाटर है, क्या है, बकेट में वाटर है, और यहाँ पे हम बना देंगे एक बकेट है, उसमें क्या है, वाटर है। चलिए तो इसमें अलग कौन है, कैंडल, क्या है, इसमें ये सब बकेट है और ये क्या है, कैंडल है। तो कैंडल को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये सबसे एक अलग है, भिन्न है। तो अब बच्चे हम लोग काउंटिंग भी सीख लिए प्रीवियस क्लासेज में, काउंट एंड मैथ भी सीख लिए, एंड आप लोग की थर्ड क्लास है, इसमें हम लोग अब क्या सीखे हैं, इन और वन आउट यानी कि एक को उसमें से जो अलग है उसको हटाना है, क्रॉस करना है। तो आप लोग आज ये भी पढ़ लेंगे, तो आप ऐसे ही डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप उसमें लिखते चलेंगे। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग घर पे हैं, सुरक्षित है और पढ़ाई भी चल रही है। तो आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर जो कुछ डाउट अगर आपके मन में हो कि ये मैम बताएं मुझे समझ में नहीं आया, तो जैसे ही स्कूल खुलेगी वैसे ही मैं क्या करूंगी, एक बार वन चैप्टर से लेके सारे रिवाइज करूंगी। और ऑनलाइन के माध्यम से तो सिर्फ क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, कुछ तो चेक हो नहीं रहा है। तो ये क्या करेंगे, जब क्लास खुलेगी, स्कूल खुलेगी, तो फिर हम उसको कॉपी को करेक्शन करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, कुछ बच्चे बनाए हैं कि नहीं, सारे बच्चे बनाए हैं या नहीं। अगर जो नहीं बनाए उसको मैं क्लियर करते चलूंगी, बताते चलूंगी, और जो बना चुके हैं उसको मैं सही गलत जो हो वो मैं वहां पे चेक करके कॉपी को और फिर एक बार रिवाइज कर दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में मैं जो पढ़ाई हूँ और वन आउट, उसमें आपको कहीं से डाउट नहीं होनी चाहिए और आप घर पे बैठे सुरक्षित रहे और क्या करें, मेहनत करें। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको बार बार रफ की कॉपी में रिविजन करे, बार बार रिविजन करे, एकदम माइंड में बैठ जाए कि मैम ये स्टेट को ये पढ़ाई थी, जब मैं पूछूं तुरंत उसको क्या करना है,
जल्दी से आंसर देना है। तो बच्चे आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।